Hi everyone welcome back to our channel my name is kaknama i hope you all are doing well and you have started preparing for your exam especially sebi grade a exam so a little while ago chetan sir and i made a video where we discussed previous year question uh, of sebi grade a exam so the last time we discussed phase 1 ka paper paper 2 of sebi 2022 jo hua tha. this time we're going to conduct a, a video on phase 2 analysis of sebi grade a exam which was conducted in 2022 ंड योअर लेवल की अभी तक आपने कितना पढ़ा है वॉट इज द प्रिपरेशन दैट यू डन बाय नाउ एंड अभी आगे और कितना पढ़ना है ठीक है वेड यू हैव टू रीच टू क्लियर द एग्जाम राइट सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एनालाइज प्रीवियस योर पेपर्स एंड वी डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू मिस द पेपर्स

तो वी डिस्कस सच क्वेश्चन सिंपल एवरेज मेथड के इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन राइट परचेज चेज यूनिट गिवेन है पर यूनिट प्राइस गिवन है द द इशू इज इज गिवन इन इन सिंपल सिंपल यूनिट एवरेज मेथड यू यू डू पर यूनिट वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज वॉट यू डू इन सिंपल एवरेज मेथड अ वेरी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने करी होगी न्यूमेरिकल्स की हाउ टू कैलकुलेट क्लूजिंग स्टॉक तो उसमें आपको आपने करा होगा ये राइट द आंसर इज गिवन टू यू वन जीरो फाइव जीरो अभी आप यू नो वेल यू रिवाइजिंग योर सेशन यू कैन ऑल्सो योर सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो सॉल्व दीज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट आर लास्ट एंड न्यूमेरिकल इन कंसेप्चुअल फैक्चुअल जो भी थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं कीप सॉल्विंग दैम साइड बाई साइड इफ यू ऑलरेडी डन इफ यूर ऑलरेडी डन विद योर यन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन जब हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं इट इज बेसिक टू अंडरस्टैंड वॉट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन right so usme the causes of inflation are characterized into two parts first is demand pull inflation the second is cost push inflation right so usme various causes are covered under demand pull inflation and which one of the following is not a cause of demand pull inflation this is what we have to find in this question इंक्रीज़ इन एडमिनिस्टर्ड प्राइस ठीक है इन्फ्लेशन तो पे क्या फर्क पड़ेगा दिस इज दिस कम्स अंडर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड नॉट अंडर डिमांड पुल इनकेजी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था इकोनॉमिक से ओके हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन बी अपेड बाय स्माल शेयर होल्डर्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन स्मॉल शेयर होल्डर्स सारे मिलके एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं These are appointed by small shareholders. So this director represents the small shareholders of the company. Right? A very easy question. Uh, mocks may be a question, Dia This was given by our team in the mocks. Right? Okay. Next question: Which of the following is true for morale but not for motivation? नाउ दिस कैन बी कंफ्यूजिंग बट अगर आपने मोरल और मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है स्पेशली फॉर मैनेजमेंट यू वुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन एंड एन ईजी क्वेश्चन तो अभी तक हमने थ्री क्वेश्चन देखे हैं एंड ऑल ऑफ दीज व ठीक है बट वेट फॉर मोर क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है इन दिस पेपर राइट सो द आंसर टू दिस इज थिंग्स टाइट टू इट आर पार्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंट दिस इज टॉकिंग अबाउट मोरल सी मोरॉल Uh, talks about a group environment or a group and motivation is on individual. It is an individual level motivation, right? When you're motivated to do something in the organization, motivation but morale it is a group phenomenon, right? So the uh, answer things tied to it are part of work environment, which is a general concept, a group concept, and not based on one individual. The next question which of the following is incorrect about NBFC? Finance ka question? Hai, a very easy question. It is all taught to you in our course. So um, NBFCs ka bahut basic concept hai, that they cannot accept demand deposits. A very easy question, NBFCs say. So again, isme hum kya hai, that NBFC and company or oh, sorry banks, mein, NBFCs and banks, mein, what is the difference between the two? You have to read that very carefully. Okay. And sometimes NBFCs ka concept can be confusing. Uh, what

थाउजेंड शेयर इज गिवे एंडलो इक्विटी है कुछ डंडन भी है इस क्वेश्चन में ऑलवेज विन यूर सोलविंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले देखिए वट यू हैव टू सोल्व एंड देन वट इज द इन्फॉर्मेशन दट इज गिवन टू यू सो इन दिस क्वेश्चन you have profit after tax and you have market price so always look for information that is required to solve the question and the information that is redundant that is not required for example in this question uh, the answer is 12.5 and what we do is uh, equity share capital yeah so the share capital total and net profit after tax we included because it is a part of the uh, shareholders equity so both of these are part of shareholders equity Donohko add karte hai and we divide it with the number of shares

सो अ टाइप ऑफ कम्युनिक बहुत सारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर के इमोशनल साइकोलॉजिकल कल्चरल लिंग्विस्टिक एथेनिक सिमेंटिक बैरियर्स ये सब कम्युनिकेशन बैरियर्स uh, है लाइट एंगल फ्रस्टेशन एंड ह्यूमर ऑन द फेस ऑफ इट ये ईजी क्वेश्चन लग रहा है बट वन यूर एक्चुअली इन दी एग्जाम सच ईजी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं बिकॉज ऑल द ऑप्शन कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड समथिंग यू फील है कि बहुत क्लोज आंसर है सो so, इसका क्या सोल्यूशन है मॉक्स दीजिए एंड प्रीवियस ईयर तो हम आपको करा ही रहे हैं ट सो वेन यू गिव मॉर्स यू विल भी एबल टू अंडरस्टैंड की जितने क्लोज ऑप्शन होते हैं हाउ डू एलिमिनेट दैम या नॉर्मल सिंपल लॉजिक लगा के कैसे सोल्व कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन ऑल्सो यू कैन सोल्व सच क्वेश्चन तो इसमें इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल में कंफ्यूजन हो सकती है द करेक्ट आंसर इज इमोशनल बिकॉज ऑल दीज रिप्रेजेंट फीलिंग्स एंड दस इट कम्स इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल बैरियर राइट इमोशनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन मैनेजमेंट का है बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन ओके सो इन दिस क्वेश्चन वॉट यू हैव टू कैल्कुलेट इज बी ई पी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सो द वैल्यू ऑफ बी ई पी वी ऑल नो वेरी इजी अगेन बहुत ईजी है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है और कॉस्टिंग में भी आता है सो इसमें द फॉर्मुला इज फिक्सड ओवर हेड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सो द इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू इज फिक्स ओवर हेड का

कैलकुलेट एन एन पी एट एफ सी फ्रॉम जी एन पी एट एम पी ना दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेक्शन जनरली हमें लगता है इकोनॉमिक्स में से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आर आस्ट बट एन यूमेरिकल क्वेश्चन वॉज आट दिस टाइम फ्राम इकोनॉमिक्स बट अ डूएबल एंड वेरी इजी क्वेश्चन ये क्लास ट्वेल्थ में भी हमें पढ़ाया जाता है राइट वॉट वी हैव टू कैलकुलेट इज एन एन पी एंड गिवन इन्फॉर्मेशन इज जी एन पी एट एम पी सो जी इज ग्रॉस एंड एन इज नेट सो ग्रॉस द नेट पर जाने के लिए डिप्रीसी करते हैं एंड एम पी इज गिवन वी है उसके लिए हम क्या करते हैं इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को एक्सक्लूडन इंक्लूड करते हैं रिस्पेक्टिवली राइट अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन ये हम सोल्व करते हैं इन अ कोर्स इज वेल दिस वॉज टॉट बहुत ईजी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में से सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं लेट मी रिपीट दिस अगे एंड अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइएगा This was a tricky question uh, because this was generally uh, not read in our course, and thoda current related tha ye question. So, Treads T R E D S trade receivables discounting system. is hamay concept pata hai. This was taught to you. Sabko pata hai iska concept. But the details, the provisions of Treads system, we nahi pata tha. Uh, When I was giving the exam, I was unaware of this, to be honest. So, the question was within which period? Uh, okay, yeah. So, when any trade receivables are financed through trade system the concerned trades on behalf of the factor shall within a period of dash days the answer is 10 days from the date of such assignment or satisfaction thereof as the case may be file with the regist central registry the relevant details so again trades ka bahut zyada provision related in depth question tha this would have been confusing us time but now that we have read if a similar question is asked to you in your exam you should be able to solve it okay next question ऑल शेयर अ वेरी इजी क्वेश्चन कंपनीज ऐट का क्वेश्चन है बहुत ईजी ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडेंड हेज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर डैश कंजेकेटिव ईयर कितने साल के लिए शेयर अगर अनक्लेम्ड हैं तो वो आई ई पी एफ में जाते हैं इन्वेस्टर्ड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाते हैं कितने साल के बाद आफ्टर सेवन ईयर्स तो इफ द डिविडेंट अमाउंट इज अनक्लेम्ड फॉर सेवन ईयर्स इट गोज टू आई ई पी एफ अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कंपनीज ऐट

तो फैक्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक कंपनीज एक्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेल्युलर मैनुफैक्चरिंग दिस वॉज अ डूएबल क्वेश्चन सेलर मैनुफैक्चरिंग इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस गिवन सेपरेटली अंडर कॉस्टिंग सेक्शन ठीक है सो जनरली जब कोई ऐसा नया मेथड आता है प्रोडक्शन का या कॉस्ट का वॉट द पर्पज फॉर ऑल दीज इज टू रिड्यूस वेस्टेज और टू इंक्रीज प्रोडक्शन और टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर तो ये जनरली दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट विल सी ठीक है सो द ऑप्शन वर्क Reduce overproduction, increase in expense, move as quickly as possible. So, increase in expense is not an advantage. So, this was one such logical way. But iskiliya concept pata hona chahiye So, logic will not always work, but concept will work always. So, if you know what is cellular manufacturing, you would be able to solve such questions. The answer is increase in expense. The question is asking which of the following is. फीचर अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है आपको याद रखना है कब नॉट पूछा है कब इंक्लूजन पूछा है इन करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डू नॉट मेक सिली मिस्टेक्स इन योर एग्जाम प्लीज सिली मिस्टेक्स मत करिएगा रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुल टेन योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज फॉर डैश कंजेकेटिव इयर्स अ वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टर्स का बहुत ईजी क्वेश्चन है कितने years, कितने कंजेक्टिव ईयर्स के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं बिफोर द सेकंड टर्म So the answer is five years. A very easy question from companies. Act. So is it like companies act an easy question, but is it generally? Which of the following is a function of HRD? Which of the following functions of HRD is concerned with increasing performance of employee? Management ka question. Hai, and a very easy question. So the question is asking uh, ki HRD. Ke, uh, okay. So which of the following function of HRD in, will increase the performance of employee and also his ability and knowledge? सो so, ऑप्शंस भी देख सकते हैं हम इससे बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है यू वुड नो द आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बट है अगर आप ऑप्शन देखेंगे सो इंक्रीज इन वर्क लोड दिस विल नॉट इंक्रीज द एबिलिटी एंड नॉलेज एंड ऑल्सो इट विल नॉट इंक्रीज द परफॉर्मेंस इट माइट लीड टू डिक्रीज इन परफॉर्मेंस सिमिलरली वेजेस इंक्रीज करने से ठीक है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है बट आर वी श्योर की एबिलिटी एंड नॉलेज इंक्रीज होगी वेजेस इंक्रीज करने से नो सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्स्ट विच ऑफिंग बट नॉट टू रिवॉर्ड नाउ यह थोड़ा है इंसेंटिव एंडील के बट दैट इज नॉट द केस इंसेंटिव क्या होते हैं इंसेंटिव आर गि बाई दर्गनाइजेशन टू इंप्लॉयज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस तो इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके बट रिवॉर्ड्स कब दिए जाते हैं रिवॉर्ड आर गिवन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस तो अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी करी है बेटर करी है द क्वालिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस हैज तब आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा बट इंसेंटिव दिया जाता है टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस विच मीन इंसेंटिव इज फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट एंड रिवॉर्ड इज बैकवर्ड लुकिंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिवॉर्ड इज गिवन राइट सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉरवर्ड लुकिंग मोटिवेशन इज कंसर्न विद इंसेंटिव एंड नॉट टू रिवॉर्ड

सो वॉट हैपन्स इज इसमें जो स्टेटमेंट हमें गिवेन है विच इज इट इज द स्टैंडर्ड डिमांड कर्व की स्टेटमेंट गिवेन है राइट बट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द स्टेटमेंट वॉट वी डू इज सॉरी स्लोप ऑफ द कर्व टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व वॉट वी डू इज हम ये स्टैंडर्ड डिमांड कर्व को इन वर्स डिमांड कर्व में करते हैं एंड वी टेक आउट इन टर्म्स ऑफ पी तो इन टर्म्स ऑफ पी निकालते हैं वेन वी टेक आउट इन टर्म्स ऑफ पी द आंसर विल बी माइनस वन बाई थ्री इससे अगर आपको लग रहा होगा अगर ये डी की टर्म्स में, so right? so में है ठीक है डी मीन्स डिटिटी डिमांडेड पीस स्टेटमेंट इज इन टर्म्स ऑफ टी राइट डी वेरिएबल ऑन पी सो जब डी की टर्म्स में है द स्लोप विल बी माइनस बी बट वॉट वी जनरली डू इज टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द कर्व वी टेक आउट द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ पी एंड देन द आंसर विल बी वन माइनस वन बाय थ्री एंड इट विल बी अ लीनियर कर्व

ओके नेक्स्ट सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डेप्रिसिएशन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इट रिक्वायर्स कैलकुलेशन इंटेंस कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज गिवन टेन ईयर्स की लाइफ गिवन है एस एल एम मेथड गिवन है एंड देन आफ्टर फाइव इज वट इज मशीन इज रीवैल्यूड एंड द वैल्यू इज इंक्रीज बाय लैक ट्वेंटी थाउजेंड एट दिफ्थ ईयर राइट सो द रिमेनिंग लाइफ नाउ इज रिकैलकुलेटेड क्योंकि मशीन की वैल्यू इंक्रीज uh, हुई है सो द रिमेनिंग लाइफ इज कैलकुलेटेड एज एट ईयर्स नाउ ठीक है नाउ डेप्रिसिएशन सिर्फ सिक्स ईयर का निकालना है हाउ वी कैलकुलेट दिस इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी पहले हम टेन ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे ट्वेल्व लाख बाई टेन ईयर्स दिस कम्स टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड राइट सो अब हम इन टू फाइव करके फाइव ईयर्स की डेप्रिसिएशन निकाल दें

दिस कुड बिन कन्फ्यूजिंग बिकॉज इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है नॉर्मल डेप्रिसिएशन का या एस एल एम मेथड का डब्ल्यू डी वी मेथड का क्वेश्चन नहीं है द क्वेश्चन इज चेंजिंग इन द मिडल इनिशियली लग रहा था पढ़ के द क्वेश्चन इज नो अ जनरल क्वेश्चन अब बट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज चेंजड इन द मिडल सो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को न्यूमेरिकल समटाइम्स कैन बी डिफिकल्ट कैन बी लिंदी इज वेल सो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं फिगर आउट विल यू बी एबल टू डू इट इन मिनट इफ नॉट

सो so, इसमें हमें क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है सो so, सबसे पहले रुपी वैल्यू एंड नॉट डॉलर वैल्यू राइट सो डॉलर में निकलेगी आई थिंक या वन करोड़ डॉलर एंड आंसर वुड बी टू पॉइंट फाइव से इंक्रीज हुआ है ठीक है दी इंटायर कैलकुलेशन इज गिवन इन डिटेल नाउ दिस क्वेश्चन कुड बिन डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ यू थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने में दिमाग लगाने में टाइम लग सकता है सो सच क्वेश्चन कैन ईदर बी स्किप्ड इफ यू फील लाइक कि नहीं हो रहा है डू नॉट लूज होप इन द मिडल ऑफ द एग्जाम अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है डू नॉट गेट स्टक राइट यू कैन ऑलवेज कम बैक टू सच क्वेश्चन तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन वो इन सिक्वेंस डिफिकल्ट दे बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ईजी सो किप कर सकते हो क्वेश्चन को ऑल यू कैन कम बैक टू इट लेटर ऑन इफ इट्स अ लेंदी क्वेश्चन डू नॉट स्किप एनी अदर डुएबल क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन बिकॉज आप एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाने लग गए राइट डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स इन देन रिग्रेट लेटर ऐसी चीजें नहीं करनी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोशनल प्राइस मेथड अगेन सो जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं उसमें लीफो फीफो एवरेज सिंपल एवरेज मेथड दीज आर द मेथडर मेथड दैट इज देयर इज मेथड इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं वन इज स्टैंडर्ड प्राइज मेथड एंड इन्फ्लेशन प्राइज मेथड और इन्फ्लेटेड प्राइज मेथड ठीक है इन स्टैंडर्ड प्राइज मेथड द प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज प्राइस प्राइज प्राइज इज प्री डिटरमाइंड ये एक स्टैंडर्ड प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक निकलता है इट बट इन इन्फ्लेशन इनफ्लेटेड प्राइस वट वी डू इज जो प्राइस है इन दिस द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड राइट सो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड मेंस्टिंग में भी फॉलो होता है इफ यू रिमेंबर हम नॉर्मल वेस्टेज को प्रोडक्शन यूनिट में इंक्लूड कर देते हैं सो द नॉर्मल वेस्टेज इज इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन दैट इज बाई जो प्राइस एंड में निकल के आता है वो हमें इनफ्लेटेड प्राइस लगता है राइट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नोशनल प्राइस मेथड द आंसर इज Standard price method. Please look into this concept in detail. Going further, next question. Which of the following is incorrect? Again, incorrect, correct. Yeh please dhyan se dekhega. do not make silly mistakes and then regret later. Now, this is a question on demand and elasticity of demand. A very easy question, doable question. Is apko, uh, according to the यू नो द प्रोडक्ट गिवन इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इलास्टिसिटी क्या होगी फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट डिमांड फॉर कोलगेट इलास्टिक है इन इलास्टिक है द आंसर हियर इज डिमांड फॉर सॉल्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज इट इज जनरली नॉट इलास्टिक सॉल्ट जो होता है इट इज अ नेसेसरी आइटम एंड इट इज यूज बाई एवरी हाउस होल्ड बी इट रिच और फॉर फ्रॉम एनी यू नो एनी बैकग्राउंड तो सॉल्ट एक नेसेसरी आइटम है उसकी डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है the next question is from management identify the role of manager in which he seeks and receives wide variety of special information now um सच क्वेश्चन कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज हमें लगता है कि रोल्स ऑफ मैनेजर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है इसमें आपको करना क्या है ईच रोल ऑफ मैनेजर इज टू बटडी डिटेल दिस इज अ क्वेश्चन फॉम मैनेजमेंट एंड आई सपोज इट वॉज टॉक टू यू इन योर क्लास एंड वॉज ऑल्सो गिविन इन योर मॉर्स सो आर नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टू नॉट बी मिसड दिस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है ईच एंड एवरी रोल ऑफ मैनेजर शुड भी स्टडीड इन डिटेल बिकॉज वॉट दे डू इज इन क्वेश्चन एक दो सेंटेंस घुमा के या लैंग्वेज चेंज करके दे कैन यू नो कंफ्यूज यू इन द ऑप्शंस सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन द आंसर इज मॉनिटर बट बी वेयर ऑफ सच क्वेश्चंस ईच एंड एवरी रोल शुड बी स्टडीड इन डिटेल राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर दिस विल फॉल इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज फाइनेंस के, you know, so right? okay. uh, well के करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया गया है आपको प्लानड एंड नॉन प्लानड एक्सपेंडिचर So this was this is a uh, new concept. Planned and non-planned expenditure. So, non-planned expenditure. These are generally uh, you know not productive expenditure. But the planned expenditure is productive expenditure. For example, non-planned expenditure will include you know the salaries or the interest of the government. So, the correct answer here is expenditure on electricity generation. So, this is a non-productive expenditure. Thus, a part of non-planned expenditure. It's a question from economics, general economics ka question hai ye. It is covered through newspaper or sabko, you know, with time, everybody has understood such concept. Next, where an application, a uh, question from Companies Act, where an application is made by transfer of, transferor alone. So, uh, transfer of shares ka question hai from chapter four, I suppose, shares and debentures, right? So the notice of the application to the transferee, uh, अनलेस द कंपनी गिवज द नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफरी गिव्स नो ऑब्जेक्शन टू द ट्रांसफर अगेन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा इन सच क्वेश्चन इन सच क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन में वॉट इट इज आस्किंग इज द ट्रांसफरी गिवस नो ऑब्जेक्शन टू द ट्रांसफर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़िएगा द आंसर इज टू वीक्स ह्योर

गाइस yes, सो so, 25 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया है सो दिस इज एन इंटरवल सॉर्ट ऑफ थिंग तो मूवी में क्या होता है कि इंटरवल जैसे आता है तो एक तरीके से इंटरवल है नाउ आई विल टेक ओवर द सेशन तो 25 क्वेश्चन हमने देख लिए नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 26th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स लेकिन इंटरवल में क्या होता है इंटरवल में थोड़ा सा एड प्रमोशन होता है तो वो हम भी करेंगे वाई टू ब्रेक दैट

और इफ यू यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी और यू जी सी नेट ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग टेलीग्राम आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है बिकॉज काफी सारी इंफॉर्मेशन न्यूज अपडेट्स अबाउट एग्जाम्स प्री स्टडी मटीरियल योर डाउट्स ऑफ योर आंसर्स बिकॉज एक कम्युनिटी होती है तो आप बाकी जो एस्पेरेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो वी ऑल्सो आंसर योर क्वेरीज

कोर्स अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं उसके अंदर द कोर्स टी डिस्काउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन यू कैन डायरेक्टली कॉल टू आर काउंसलर ऑन दिस नंबर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव डायरेक्टली आप बात कर सकते हो कुछ भी क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग एनी एग्जाम ओके अबाउट द कोर्स एंड ऑल्सो यू कैन गिव योर फीडबैक आप इस नंबर पर अपना फीडबैक भी दे सकते हो अबाउट आर सेशंस यूट्यूब सेशंस वेदर यू लाइक दैट और यू डोंट लाइक दैट ठीक है जो भी आपका है एनी सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट सो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर फॉर योर फीडबैक पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओके नाउ लेट कंटिन्यू फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स फॉलोइंग इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजीरियल कंट्रोल तो मैनेजीरियल कंट्रोल जो होता है ये बेसिकली मैनेजमेंट के जो हमारे पांच फंक्शन होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फिफ्थ फंक्शन द लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में टेक्निक्स है अब देखो क्वेश्चन पढ़ के एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं तो कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी होंगी तो यहाँ पे हमको मॉडर्न टेक्निक को आइडेंटिफाई करना है इसका मतलब आउट ऑफ दिस फाइव आउट ऑफ दिस फाइव वुड बी ट्रेडिशनल एंड वन वुड भी मॉडर्न तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं भी आता बट इफ यू आर अवेयर ऑफ समल टेक्निक्स यू कैन एलिमिनेट जैसे कि आपको हो सकता है पढ़ के समझ में आ जाए कि दिस इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक दिस कैनॉट बी द आंसर ओके और दिस इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक दिस कैनोट बी द आंसर तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो एलिमिनेशन टेक्नीक इज समटाइम्स वेरी वेरी हेल्पफुल और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन आई वुड से ओके okay, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसका आंसर सही दे दे जिन्होंने सम ऑफ यू की रट लिया हो कि ये ट्रेडिशनल है मॉडर्न है कई बार हम क्या करते हैं आ, टेक्निक्स के नाम रट लेते हैं ओके okay? सो so, अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर पाओगे लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ भी कंसेप्चुअल पूछ लिया तो नहीं कर पाओगे इसीलिए वी ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसीलिए ओके ऑल सो ये क्वेश्चन जो था कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है बिकॉज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ओके और नेम्स भी हमको पता चलने चाहिए थे तो फैक्चुअल भी है कुछ सेंस में और कंसेप्चुअल भी है देन क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन यस अब यह क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन काफी आई वुड से बहुत ही इनडेप्थ क्वेश्चन पूछ रही है इनडेप्थ और आई वुड से इसमें चेक कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी रोबस्ट है बिकॉज ये टर्म्स काफी सिमिलर साउंडिंग है और इनके मीनिंग्स में भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो यहां पे बहुत ज्यादा स्पेशली आई वुड से कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक हो गई थी बिकॉज ये जो टर्म्स हैं जनरली ये कोई पढ़ाता नहीं है डिटेल में यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो पढ़ते हैं बट नॉट सो मच इन रेगुलेटरी बॉर्ड एग्जामिनेशन लाइक फिजिकल प्रूडेंस फिजिकल फेडरलिज्म फिजिकल पॉलिसी सबको पता होगा ओके okay? बट ये जो बाकी टर्म्स है फिजिकल स्टिमुलस भी हो सकता है आप में से काफी को पता हो बट आई डोंट थिंक कि सबको फिजिकल प्रूडेंस फिजिकल फेडरलिज्म और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस पता हो तो वेरी गुड क्वेश्चन गुड क्वालिटी क्वेश्चन आई वुड से वु इन द एग्जामिनेशन और कंसेप्चुअल ट्वेंटी एट द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन अब ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था कंपनीज एक्ट में एक मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए इफ इफ एनी वांट्स टू अप्लाई इन एनी आईपीओ एफपीओ पी ओ तो एज पर कंपनीज एक्ट इट इज फाइव परसेंट एट एज पर कंपनीज एक्ट इट इज फाइव परसेंट यह फैक्चुअल क्वेश्चन है तो परसेंटेज याद रखनी है इसमें कंसेप्ट क्या है इसमें हम बोल नहीं सकते कि कोई कॉन्सेप्ट है कोई लॉजिक है अब ये फाइव परसेंट एक फिगर है आप हाँ ये बोल सकते हो कि फाइव परसेंट फाइव का मल्टीपल है तो उस सेंस में Maybe we could have got the answer, ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर फाइव के मल्टीपल में नेसेसरी तो कंपनी क्वेश्चन था और अगर सेबी की की करेंगे लेकिन सेबी की रेगुलेशन ओवर राइड करती है ओके ऑल राइट देन क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन द प्रेडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड चेयरपर्सन अगेन कंपनी जैक का क्वेश्चन है अब देखो ये क्वेश्चन ऑल दो फैक्चुअल है

लीगल uh, बंदा ही उनकी अपॉइंटमेंट करे तो उस सेंस में आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो ऑल्दो ये मेरा लॉजिक बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल किस तरीके से हम कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं नाउ द कंफ्यूजन कुड बी बिटवीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नो आप, आप खुद सोच सकते हो कि यह एनसीएल जो है ये नेशनल बॉडी है ये कोई रीजनल वो स्टेट बॉडी नहीं है तो अपॉइंटमेंट भी कोई नेशनल लेवल का ऑफिसर uh, करे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके, उस सेंस में मैं बता रहा हूं ऑल्दो द लॉजिक इज नॉट वेरी रोबस्ट बट ऐसे लॉजिक्स काम कर जाते हैं काफी बार ओके देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्टी वॉट इज इन करेक्ट अबाउट प्रोविजन वॉट इज इन करेक्ट अबाउट प्रोविजन

ऑप्शन की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल हो सकती है बट इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रोविजन का मतलब पता होना चाहिए आपको अच्छे से एंड यू शुड नो इस क्वेश्चन को आंसर कर करने के लिए प्रोविजन वर्सिज लाइबिलिटीज रिजर्व वर्सिज कंटिजेंट लाइबिलिटी ये टर्म्स के बीच का डिफरेंस जिसको पता होगा चारों के बीच का क्लियरली वो काफी इजिली इसका आंसर कर पाएगा आई वुड से ठीक है वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी देन क्वेश्चन थर्टी वन ंग इज नॉट अफ क्वानिटेटिव कंट्रोल बाई आर बी आई तो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में गिवन है मॉनिटरी पॉलिसी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं यहां से क्या पूछा है आपसे एग्जामिन यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ क्वानिटेटिव मेथड मतलब वो आपसे पूछ के आ रहा है इसका नॉट क्वानिटेटिव मतलब

जस्ट number 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 रट लिया है बट तो इस टेक्निक से भी लोग आंसर कर देते हैं काफी बट आई वुसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे लिए सबसे इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी टू अकॉर्डिंग टू साउथ पैसेफिक कमीशन तो देखो बहुत सारे ये मेमरी बेस्ड आपको पता है सेबी स डिस्क्लोज नहीं करता जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये हम मेमरी बेस्ड पे लेके आते हैं ठीक है रिसर्च करके ढूंढ के तो अब ये क्वेश्चन question, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअली में एग्जाम में ऐसी नहीं होगी बट कुछ क्वेश्चन हम लेकिन टॉपिक वही रखते हैं तो हमको इतना तो मेमोरी से याद होता है कि, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन था तो एज फार एज पॉसिबल एक्यूरेट है बट हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी नहीं हो सकती बिकॉज मेमोरी बेस्ड है तो कुछ जगह पे ऑप्शन अलग हो सकते हैं कुछ ऑप्शन हमने क्रिएट कर दिए हैं या लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग हो सकती है बट मोर और लेस एक्चुअल as as के बहुत ज्यादा करीब है सो so, यहाँ पे एच आर डी एच आर डी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर मैनेजमेंट इनसे भी तो एच आर डी के फीचर गिवन है आपको बेसिकली बताना विच ऑफ दॉटी सो अगेन आई वुड से कंसेप्चुअल क्वेश्चन एच आर डी का concept अच्छे से पता होना चाहिए वॉट इज एच आर डी वॉट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ एच आर डी ठीक है एच आर डी उसके गोल्स क्या होते हैं वॉट इज एवोल्यूशन ऑफ एचआर डी तो ये सारे कॉन्सेप्ट

मिनिमम तीन मेंबर्स होने चाहिए ऑडिट कमेटी में तो फैक्चुअल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में गेस्ट वर्क नहीं चलेगा आता है तो करोगे नहीं आता तो छोड़ना पड़ेगा ऑप्शंस भी क्लोज हैं एलिमिनेट भी कैसे करोगे ठीक है है ना फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो मेमोरी तो भी चेक होती है आपकी काफी क्वेश्चन ट्राइंग टू चेक यूर मेमरी देखो एग्जामिनर क्या क्या चेक करता है अगर आप एक से भी जैसे एग्जाम की बात करें मेमरी चेक हो रही है कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक हो रही है रैशनल थिंकिंग आपकी चेक हो रही है उसके अलावा

इन एग्जामिनेशन हॉल या फिर जो सोच कर आए हो जो स्ट्रैटेजी लेकर आए हो वही अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी स्पोर्ट्स का क्रिकेट मैच होता है कोई स्पोर्ट्स का मैच होता है तो हर एक टीम एक स्ट्रैटेजी के साथ आती है लेकिन बेस्ड ऑन एक्चुअल इन्वायरमेंट हमको इंप्रोवाइज करना होता है सो so वो भी चेक होता है कि क्या जो कैंडिडेट है वो इम्प्रोवाइज कर रहा है बेस्ड ऑन सिचुएशन क्या वो उसी अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है तो ये काफी सारी स्किल्स आपकी चेक होती हैं दीज आर वेरी सटल जो हमको पता भी नहीं चलता बट बहुत कुछ चेक होता है एग्जामिनेशन एक रिटर्न एग्जामिनेशन में मतलब एक एमसीक्यू एग्जामिनेशन में भी बहुत कुछ चेक हो जाता है इंटरव्यू में तो फिर नेक्स्ट लेवल पे ही वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं ओके राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्टी फाइव कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग देटा तो प्राइम कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट शीट जो हम पढ़ते हैं और प्राइम कॉस्ट अगेन आई वुड से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिकॉज हमको प्राइम कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए और मुश्किल क्वेश्चन नहीं, है, प्राइम निकालना कोई बहुत नहीं है, okay? है जो सब पढ़ते हैं फ्रॉम चैप्टर टेन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ठीक है अब एस सच ये क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो भी लॉजिकली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कैसे अब ऑडिटर कौन होना चाहिए मतलब लॉजिकली सोचो एक चार्ट अकाउंटेंट है वही तो है हु इज मोस्ट टू परफॉर्म द रोल ऑफ ऑडिटर तो यहाँ पे यू you नो know, अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां भी लिखा है वो दो ऑप्शन आंसर मतलब दिस विल नॉट बी द आंसर दिस विल नॉट बी द आंसर दिस विल नॉट बी अब ए और सी में हमको कंफ्यूजन हो सकती है ओके तो स्टिल आप पांच में से दो ऑप्शन पे तो आ गए है ना ऑल दो फैक्चुअल क्वेश्चन बट आप एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते हो और ऐसा आप मैंने देखा है कुछ लोगों का यू नो इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होता है कुछ लोगों का हंच काफी स्ट्रांग होता है तो ये एक एक्सरसाइज है जो आप खुद के लिए कर सकते हो आप चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन जो आप मॉक्स वगैरह लिखोगे या लिखे हैं आपने आप देख सकते हो कि लेट सपोज पचास में से आपने पांच क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंट्यूशन करे कि दो ऑप्शन बचे थे आपको दो में डाउट था आपने अटेम्प्ट किया आप चेक करो फिर कि जिन ऐसे जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दो ऑप्शंस में डाउट होता है तो क्या वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे रहे हैं हैं कि कि गलत उसकी परसेंटेज देखो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आपका इंट्यूशन या हंच कितना स्ट्रांग है तो फिर आगे आपको फ्यूचर में उससे एक आइडिया लगेगा कि क्या मुझे इंट्यूशन पे वर्क मतलब इंट्यूशन से मुझे आंसर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए ठीक है कुछ लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग होता है कुछ लोगों का वीक होता है इस सेंस में स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके देन क्वेश्चन ट इज मॉनिट्री बेस अब देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई होती हैं ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वैसे काफी ज्यादा जो स्कूल में भी हमें पढ़ा देते हैं इलेवन ट में भी लाइक एम जीरो जो मॉनिटरी बेस होता है ये होता है एम जीरो होता है एम जीरो तो का फॉर्मूला पूछा है ओके okay, तो अब आप इसको फैक्चुअल भी बोल सकते हो कंसेप्चुअली बोल सकते हो बिकॉज अगेन फैक्चुअल तब है अगर आपने फॉर्मुले को रटा हुआ है लेकिन कंसेप्चुअल है ये क्वेश्चन फैक्चुअल है उनके लिए जिन्होंने फॉर्मुले को रटा हुआ है और एक कंसेप्चुअल है जिन्होंने समझा है तो बेस्ड ऑन ऑन विच कैटेगरी यू देन तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स देकोमिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट फाइनेंस कमीशन तो फाइनेंस जो आपका uh, uh, वो है सब्जेक्ट है इन दिस पेपर तो वहां पर टॉपिक है एफ आरबीएम एक्ट एंड फाइनेंस कमीशन तो फाइनेंस कमीशन इज वेरी वेल देयर इन योर सिलेबस और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिस फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने चार थीम्स लिए थे तो यहाँ पे पांच हैं सो विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ दो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करंट का नहीं है अब किस कई लोगों को लग रहा होगा कि करंट का क्वेश्चन है करंट का नहीं है बिकॉज फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी तो एक सेंस में करंट भी है बट अदर वैसे आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि फाइनेंस कमीशन इज इन योर सिलेबस तो फाइनेंस कमीशन में देखो फाइनेंस कमीशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉम्पोजिशन है वो सबको पता होना चाहिए एक्ट कब पास हुआ था एक्सेक्ट्रक्सेम एक्ट वो सब और फाइनेंस कमीशन जो भी लेटेस्ट है आपके एग्जाम से पहले जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो भी हमको पता होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट ओके दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम फाइनेंस सेक्शन ऑफ द सिलेबस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी नाइन विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्प्लिटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहां पढ़ते हैं हम

और एक आपकी breadth of knowledge अब फर्क क्या है depth और breadth में breadth का मतलब है कि कितना अलग-अलग टॉपिक्स -अलग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है intensive तो ये बेसिकली है intensive लर्निंग या इंटेंसिव स्टडी दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव स्टडी तो breadth का मतलब है अलग-अलग टॉपिक्स -अलग के बारे में थोड़ा-थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है तो एक्सटेंसिव नॉलेज चेक हो गई और इंटेंसिव नॉलेज कैसे चेक होती है कि एक ही टॉपिक के बारे में कितना डीपली आप जानते हो तो दो चीजें चेक हो रही हैं ओके okay, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज भी और आपकी ब्रेथ ऑफ नॉलेज भी राइट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया स्प्लिटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट मेथड पूछ रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी वट इज इनकरेक्ट अबाउट फिलिप्स कर्व तो फिलिप्स कर्व जो है ये आपका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के अंडर लाइ करता है इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इन फ्ले फिलिप्स कर्व के बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आई वुड लाइक टू एड वन थिंग कि ये जो आपका सेबी 2022 का पेपर है फेज टू का पेपर जो है ये तो ये काफी डिफिकल्ट आया था डिफिकल्ट इकोनॉमिक सेक्शन इकोनॉमिक सेक्शन काफी डिफिकल्ट आया था दो चीजें डिफिकल्ट थी इस पेपर में दो चीजें डिफिकल्ट थी एक इकोनॉमिक सेक्शन और एक मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूमेरिकल्स एज सच डिफिकल्ट तो ही साथ साथ लेंदी भी थे साथ साथ भी थे तो इसीलिए थोड़ा पेपर मुश्किल था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में जो भी, 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 भी एग्जाम होगा सेबी का ओके okay, इन तो उसमें आप ये लेवल 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 इससे इससे एक मतलब एग्जाम का थोड़ा सा हाई एक्सपेक्ट करके ही चलना इससे सिंपल तो बिल्कुल नहीं आएगा या तो यही लेवल रखेंगे इससे थोड़ा सा हाई भी रख सकते हैं ओके सो बी प्रिपेयर फॉर दैट तो ये जो क्वेश्चन था फिलिप्स कप का तो फिलिप्स कप कांसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक हो गई थी इस क्वेश्चन में तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो इस पेपर में आया था डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक हो गई थी बिकॉज सिलेबस से ही क्वेश्चन थे लेकिन इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे थे तो फिलिप्स का क्वेश्चन था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ओके okay? तो जिसको अच्छे से पता था वही इसका आंसर कर पाया होगा राइट देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्टी वन अन्यूमेरिकल क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो रेशियो एनालिसिस टॉपिक है एक हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में से तो ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते बट well, तो, क्वेश्चन you know, दे देंगे. देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो क्वेश्चन लेंदी बन गया और डिफिकल्ट क्यों है बिकॉज कुछ ऐसे आइटम्स आपको दे देंगे जिसमें आपको डाउट होगा लेट सपोज की फॉर्मूले में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है तो ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं थे जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर था इसलिए मैं बार बार कॉन्सेप्ट कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर था कि फॉर्मूला कैसे बना है फॉर्मूला क्या है ओके okay? क्लैरिटी थी फॉर्मूले फॉर्मूला आया कैसे है तो वो लोग इजीली आंसर कर पाए होंगे ठीक है तो और एक चीज और भी थी कि क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन लेंथी थे तो काफी एस्पिरेंट्स ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट में अटेम किए थे भाई अब देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको जज करना होता है वैसे तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया आपको जज करना है कि ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता है कि इसमें बहुत लगेगा। अगर बहुत लगेगा, तो फॉर रिव्यू करना होता है कई तो बार तो ऐसा नहीं बोल रहा सभी क्वेश्चन को फॉर रिव्यू कर दो बिकॉज मार्क फॉर रिव्यू करने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू तभी करते हैं जब लगता है कि या तो हमको आता नहीं है या हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे suppose, या फिर हमको लगता है हमें आता है क्वेश्चन लेकिन ये बहुत टाइम लेगा लेट सपोज ठीक है ना क्वेश्चन फोर्टी वन देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टी टू अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रेशियो रेशियो से एक और क्वेश्चन था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे निकालना था ओके सो अगेन जिसको फॉर्मुला पता था जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे फॉर देम इट नॉट दैट डिफिकल्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री अब ये क्वेश्चन फाइनेंस में से था जीएसटी का क्वेश्चन है ये जीएसटी आपके सिलेबस में गिवन है इन द फाइनेंस सेक्शन और ये क्वेश्चन जो था ये फाइनेंस करंट से था दिस वॉज फ्रॉम करंट अफेयर्स न्यूज़ से क्वेश्चन था सो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन था तो इसमें तक पहुंच सकते थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर्ट देखो तो करंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना मेजरली वो फाइनेंस में से ही बनते हैं बाकी किसी सब्जेक्ट में से कोई करंट का क्वेश्चन बनता नहीं है में से हो सकता है मे बी कंपनीज एक्ट में में कोई नई अमेंडमेंट आई हो या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन से भी कोई करंट क्वेश्चन बन सकता है इफ लीडरशिप थ्योरी टॉक्स लीडर तो देखो लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का लीडरशिप से काफी क्वेश्चन पूछते हैं लीडरशिप मोटिवेशन ठीक है ना कम्युनिकेशन तो यहां पे लीडरशिप की थ्योरीज थोरीज है तो यहां पे कुछ कीवर्ड्स थे इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स थे जिससे आंसर तक आप पहुंच सकते थे तो ये क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है बिकॉज अगर आपको इन सब थ्योरीज के बारे में पता है तो ये आप आंसर कर पाओगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक है ना तो था कंसेप्चुअल क्वेश्चन बट कुछ की वर्ड्स है क्वेश्चन में जिसके थ्रू आंसर तक पहुंच सकते थे लाइक इंस्पिरेशनल कैरिज्मेटिक माइक्रो मैनेज डज नॉट माइक्रो मैनेज तो कुछ की थे Maybe आप आंसर अभी माइक्रो मैनेज शायद ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था तो मैं वही कह रहा हूँ मेमरी बेस्ड है तो इसलिए इंस्पिरेशनल एंड इन ओरिजिनल क्वेश्चन बट कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हमने किया है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर यू ओके इन दैट सेंस सो दैट ये आपके लिए यूजफुल भी रहे अगर आप खुद इनको करना चाहें तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनोपलि अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया ये मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोली ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन और मैंने बताया इकोनॉमिक्स में से मुश्किल क्वेश्चन पूछे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं इन डेप्थ तो यहाँ पे मोनोपोली के फीचर अगर आपको पता थे मोनोपोली मार्केट कैसी होती है तो उसके बेसिस पे आपको इसको आंसर करना था कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम रॉम नेक्स्ट अगेन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था अगेन मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था तो मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल कई बार कैंडिडेट्स को लगता है बिकॉज उसमें काफी कुछ होता है पढ़ने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फीचर्स एक्सेस कैपेसिटी ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो स्पेशली अगर कोई इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा इंटीमीडिएटिंग हो सकता है तो इसके लिए बेस्ट यही होता है कि इकोनॉमिक्स के पहले बेसिक्स आप लोग कवर करो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस पे बढ़ो डायरेक्टली एडवांस टॉपिक्स पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएंगे ओके सो अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन अगेन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में जैसे एक होती है परचेजिंग पावर पैरिटी एक होती है इंटरेस्ट रेट पैरिटी सो अगेन वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वर्थ अ लिटल ऑन द डिफिकल्ट साइड स्पेशली फॉर दोस्ट जिनका इकोनॉमिक्स वीक है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी एट फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी यह क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था यहाँ पे क्या पूछा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा था प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो देर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश एंड अक्रूवल बेसिस ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लास इलेवेंथ में ही पढ़ा देते हैं तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स लेते हैं उसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था बट इतना डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन कुड बी लेंदी अगर नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर गिवन इन द क्वेश्चन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एफ टू से क्वेश्चन था

इफ यू रिमेंबर मतलब इफ यू रिमेंबर मतलब पढ़ाया अगर आपने तो यहां पे एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस आपको पता था तो यू कुड हैव कैलकुलेटेड यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्टिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं क्या एक्सक्लूड करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी मतलब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना था न्यूमेरिकल so, क्वेश्चन था बट एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल भी था दिस इज इट फ्रॉम आर साइड फॉर दिस से तो आई होप आप लोगों को सेशन काफी पसंद आया होगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सेशन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मेन पर्पज है वो ये है कि यू गेट टू नो कि एग्जामिनर किस क्या स्किल चेक कर रहा है या एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम सेट कर रहा है वो क्या क्या चीजें चेक कर रहा है कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है फैक्ट चेक कर रहा है ओके okay? ट इन टू यू नो यू गेट इन टू द माइंड सेट आप वी ट्राई कि आप एग्जामिनर के माइंड सेट में एंटर कर पाओ थ्रू दिस से वो किस तरीके से पेपर बना रहे हैं क्या क्या चेक कर रहे हैं ओके एंड यू ऑल्सो गोट टू नो कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने फैक्चुअल पूछ रहे हैं ओके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछ रहे हैं ओके एंड दिस इज द वेरी लेटेस्ट पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फेज टू ये लेटेस्ट पेपर है तो इससे आपको एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल का भी आइडिया लग गया कि किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल हो सकता है आई होप यू वुड लाइक दिस सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो हु आर प्रिपेरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ओके टेक योर लीव नाउ ऑल द वेरी बेस्ट गाइड गुड बाय टेक केयर कोई कॉमेंट है कुछ आपको सजेशन है कुछ फीडबैक है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बिलो द वीडियो लिख सकते हो चलिए गुड बाय टेक केयर एंड हैव अइस डे